सृष्टि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इसी फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस डिस्कस। बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन से सिलेबस होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन लेके आए, जो कि अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने एडमिशन बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में ले लिया है और बहुत से स्टूडेंट्स अभी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में एडमिशन लेने वाले, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल से फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जो अभी बीसीए में एडमिशन लेने वाले। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे थे हमारी अगली वीडियो में कि मैम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, तो वो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए। ओके, तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है डियर पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी है जो आपकी वो चंडीगढ़ में है, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस करेंगे ओल्ड के बारे में कि ओल्ड क्या है सिलेबस। कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत चेंज हुए, जैसे इग्नू में थोड़ा चेंज हुए, तो आज हम यहाँ पर पूरा देख लेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन से फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट है। क्योंकि स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट्स के, आई होप इस वीडियो में वो सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर विजिट किए गए हैं, आप वहां से हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं ओल्ड की, ओल्ड कुछ यूनिवर्सिटीज है और अभी थोड़ा न्यू के बारे में देख लेंगे। थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज है, ओके, ज्यादा सिलेबस नहीं चेंज है तो परेशान भी नहीं होना। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको फर्स्ट आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी डियर आपका है कहाँ पे, ये पंजाब यूनिवर्सिटी आपका है चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी। इसमें देख लेते हैं, देखिए इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जैसा कि हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है इंग्लिश कंपलसरी, मतलब इंग्लिश को लेना कंपलसरी है इस यूनिवर्सिटी में। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग भी बहुत ध्यान से देख ले ताकि जब वो एडमिशन ले तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आपका डियर आ गया कि इंग्लिश, इंग्लिश कंपलसरी है लेना आपको। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका फंडामेंटल मैथमेटिक्स स्टैटिक्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी, ये आपके पूरे कंप्लीट सेकंड चैप्टर, मतलब सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा नाम है। तो इसे फंडामेंटल मैथमेटिक्स स्टैटिक्स कंप्यूटर फंडामेंटल, अब इसके अंतर्गत जो आपके मतलब फंडामेंटल पूरा कंप्लीट आईटी के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रोग्रामिंग के बारे में आपको प्रोग्रामिंग थॉट सी सी लैंग्वेज, मतलब कुछ थोड़े बहुत टॉपिक जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मैम मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं इग्नू यूनिवर्सिटी से हूँ, हमारे थोड़े से सिलेबस चेंज है तो क्या मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो थोड़े बहुत बच्चे आप लोग को पता है कि थोड़े बहुत सिलेबस चेंज होते हैं तो इतना परेशान नहीं होना होता है, क्योंकि हम कॉलेज से और अगर हम ऑनलाइन कहीं प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो वहां से भी हम अच्छी खासी अपनी स्टडी करते हैं। और एक मजे की बात हम आप लोग को बता दें कि आपका जो अपना परिवार है यूनिक ऑनलाइन गुरु, ये आप लोगों को कंप्लीट बीसीए की क्लासेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सेमेस्टर हो, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हो। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए चैनल से जुड़िए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके, तो चलिए ये आपका हो गया। फिर आपका देख लेते हैं एनवायरमेंटल एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, ये आपका है। उसके बाद से हम देख लेते हैं क्या है, तो मतलब आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बस खाली आपके ये 3 पॉइंट्स है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ 3 आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसके अंदर के जो कंटेंट होंगे सारे, जब आप कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, चीजें क्या है, थोड़ा असाइनमेंट वगैरह भी होता है, तो ये सारी चीजें। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्या है। नेक्स्ट नंबर पे डियर आपका आ जाता है अमेठी यूनिवर्सिटी। अमेठी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी कहाँ पर है डियर, वो आपकी है राजस्थान में। राजस्थान में आपकी अमेठी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया डियर। उसके बाद से आपका बेसिक मैथमेटिक्स आ गया। बेसिक मैथमेटिक्स
बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास मैथ्स नहीं है, तो मैं कैसे बीसीए करूँ। तो डियर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि 10+2 तक के आपके मैथ्स आते हैं। जो हमारी इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, हमारी फर्स्ट वीडियो बीसीए के बारे में कंप्लीट पड़ी हुई है, आप वहां पे जाकर के बीसीए की क्लासेस को देख सकते हैं कि बीसीए का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ये आपका थर्ड पेपर है, ठीक है। फिर आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज कॉमन है। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें सी लैंग्वेज ही पढ़ाया जाता है, ज्यादातर फर्स्ट आपके सेमेस्टर में। ओके, फिर आपका आ जाता है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये क्या है, आपका प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में जो है कि आपका सी लैंग्वेज, फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सी यूनिवर्सिटी में C++ होता है, जावा होता है, HTML होता है, तो ये सारी आपकी लैंग्वेज है। तो हमने अभी बात किया है आज आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ओके, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा जो अभी बीसीए कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। फिर देख लेते हैं आपका कौन सा है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का लैब। लैब की बात करें तो लैब आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे वहाँ पे आपके लैब होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके डेस्कटॉप लगे हुए थे, असाइनमेंट लैब होता है, वहाँ पे जाकर के आपको सारी चीजें बताई जाती है। जो भी टीचर्स जिस सब्जेक्ट के होंगे वो आपको वहाँ पे सी लैंग्वेज का पूरा कम्प्लीट लैब जो है वो आपको वहाँ पे करके बताएंगे कैसे हम करते हैं। ओके, फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, इसका मतलब जो आपके थ्योरी भी होते हैं लैब भी होते हैं, तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे, उसके बाद लैब करने के लिए भी आपको जहाँ से आप कॉलेज में एडमिशन लिए वहाँ पे आपको लैब पोर्शन कराया जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी आ जाती है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहाँ है, द्वारिका में है, जो कि दिल्ली में है, ये पड़ता है, ठीक है डियर। इसमें देख लेते हैं क्या, इसमें देखिए ओनली 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मतलब ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। देखिए अभी इसमें क्या आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, मैंने बताया ना कि बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या करती है फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बस थोड़े नाम अलग अलग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि आने जो अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी बताऊंगी थोड़ा सा आगे चल करके कि थोड़े से सिलेबस चेंज हुए हैं, जो कि है और भी जो सारी यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस चेंज हुआ है। तो देखिए अभी क्या है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ जो कि आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक मैथमेटिक्स जगह पर क्या दे दिया गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास पढ़नी पड़ेगी। बेसिक मैथमेटिक्स हो सकता है इनका जो मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से या फिर बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में भी दे सकता है। ओके, फिर आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, देखिए यहाँ पे भी आपको सी लैंग्वेज मिल गया, तो जो भी सारी चीजें हैं ये सारी चीजें मतलब सी लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे भी आपको सी लैंग्वेज ही पढ़ना है। तो ज्यादातर क्या है कि सी लैंग्वेज ही फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और सी लैंग्वेज बहुत बेसिक लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। फिर आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड IT वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है ये आपका पढ़ाया जाएगा डीएल। ये आपके कौन सी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, जो कि आपका कहाँ पे है, दिल्ली द्वारिका में है। ओके, तो आई होप जो भी ये मैं सारी चीजें बता रही हूँ आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर हाँ समझ में आती है तो बिल्कुल भी आप लोग शेयर करिएगा, ताकि जो लोग भी परेशान हो रहे हैं, मैं बीसीए में एडमिशन लेना चाहता हूँ या ले चुका हूँ और मुझे अभी अपने कॉलेज से सिलेबस नहीं मिला है या जो भी सारी चीजें होती है, तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आ जाता है देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी में देखिए ये आपके सिलेबस, मैंने ओल्ड की बात की, अभी मैं इग्नू का न्यू सिलेबस आपको बताऊंगी। ये मैं देख लेती हूँ थोड़ा पुराना सिलेबस क्या है इग्नू का। तो डीयर देखिए इग्नू में क्या है आपका, पहले जो था वो फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 2 के नाम से था, अब क्या है इंग्लिश का थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस जो है इग्नू ने थोड़ा सा सिलेबस इस बार चेंज किया। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जो पॉइंट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। तो अभी हम बताएंगे ओल्ड वाला, ये जो है आपका ये ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड ये आपका इग्नू यूनिवर्सिटी के सिलेबस है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश 2 के नाम से है। फिर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ में पढ़ाया जाता है। जनरली आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बेसिक मैथमेटिक्स हो गए, सी लैंग्वेज हो गए आपके,
और ये सारी चीजें क्या फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, वो चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो। तो आज हम लोग दो तीन चीजें सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम जान जाएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर में इस यूनिवर्सिटी में ये सारे आपके सिलेबस होते हैं, ओके, ओल्ड वर्सेस न्यू। ओके, बस आप लोग जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग भी परेशान होते हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत ना हो। ओके, फिर हम देख लेते हैं आपका क्या है, आपका कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, पीसी सॉफ्टवेयर भी आपको पढ़ाया जाता है। फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, यहाँ पे इग्नू में आपको मैथमेटिक्स के नाम से दे दिया, यानी आपका बहुत से जगह पे बेसिक मैथमेटिक्स था, फिर ओनली मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स फर्स्ट भी यहाँ पे कहीं कहीं पे आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट भी लिखा होता है। तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बस थोड़े बहुत आपके चेंज होते हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे हैं, ये नाम चेंज है। तो बिल्कुल भी बच्चे आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि वही सारे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, बस खाली हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ओके, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का लैब। अभी क्या था, यहाँ पे हमने पढ़ा कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, ये हो आपका थ्योरी का पोर्शन। अब इसी थ्योरी का कुछ जो थोड़े से इसमें कुछ कोडिंग वगैरह आपके होंगे, वो आपके क्या होंगे, ये लैब। तो लैब मैंने बताया ना कि आप जहाँ पे स्टडी करेंगे कॉलेज में, या फिर अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको लैब कराया जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ओके, क्योंकि आपका अपना परिवार खुद आपको बीसीए की कंप्लीट क्लास, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत भी नहीं है, कि आपका जो अपना यूनिक ऑनलाइन ग्रुप परिवार है, ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है डियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है द महाराष्ट्र शिवाजी राव यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहाँ पर है, बड़ौदा में है। इसमें देख लेते हैं कि देखिए इसमें तो भाई बहुत सारे टॉपिक दिख रहे हैं, मतलब ये हमने कमेंट पढ़ा था आपने कुछ वीडियोस में, कि स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो डियर वो देखिए, वो लोग भी ये वीडियो जरूर देखे जिनके ये डाउट्स थे, तो उनको ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ओके, जनरली आपके 5 या 6 होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इतने ही आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आपके क्या है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है पीस एंड डाटाबेस, फिर आपका आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पे भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ गया आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है द महाराष्ट्र शिवाजी यूनिवर्सिटी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया गया है, और बहुत सी यूनिवर्सिटी में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 3rd, 4th, 5th या फिर 6th या फिर 3rd यूनिवर्सिटी में दे। ओके, फिर आपके आ जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मैंने बताया बहुत सारी होती है, सी लैंग्वेज से आपकी स्टार्ट होती है, फिर C++ है, जावा है, पाइथन है, HTML है, CSS है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग आती है। ठीक, पीसी सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस लैब के बारे में आपको बताया जाएगा, फिर प्रोग्रामिंग लैब के बारे में यहाँ पे भी आपको बताया जाएगा, मैथमेटिकल फाउंडेशन फर्स्ट, कम्युनिकेशन इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन इंग्लिश के नाम है, बहुत सारा आपको इंग्लिश के नाम से भी है। ठीक है, फिर आपका एवेटी कोर्सेज, मतलब आपको ये आपको आता है कि आपको ये कंपलसरी होता है, लेना होता है नहीं, तो वो आपको कॉलेज वाले डिफाइन करेंगे। आई होप आप लोग को जो भी मैं सारी चीजें बता रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा। ये हम लोग दूसरा देख लेते हैं कौन सा है, फिर आपका आ जाता है JNV, JNUV का मतलब आपका जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जो की आपके जोधपुर राजस्थान में एडमिट, ये भी अपने आप में यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ओके, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अपने एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। फिर उसके बाद अब इसमें देख लेते हैं कि JNVU में कौन कौन से सिलेबस हमें पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट आपका आ गया फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, अब देखिए वही मैथमेटिक्स है, बस क्या है नाम चेंज है, नाम अभी मैंने आगे देखा मैथमेटिक्स के नाम से था, उसके बाद से सिर्फ मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स फर्स्ट है, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल का मतलब समझ रहे हैं, बेस मतलब बेसिक से आपका स्टार्ट होगा, ये चीजें तो बस थोड़े से नाम चेंज होते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वही, तो थोड़े बहुत चेंज होते, बिल्कुल भी परेशान हमें नहीं होना है कि नाम देख करके हम परेशान हो जाए कि नहीं ये नहीं पढ़ना है, थोड़े से सिलेबस चेंज है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू समझ पाए और अपनी इसी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, और तैयारी करते में अगर आपको कोई परेशानियां होती हैं तो आपका अपना यूनिक ग्रुप जो परिवार है वो आपको कम से कम फीस में बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कर रही है।
अभी रिसेंटली हमने नया बैच स्टार्ट किया है 2024 और 25 के लिए संकल्प बैच के नाम से, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सारे सब्जेक्ट की, वो आप देख सकते हैं और देख करके आप कॉन्टेक्ट करके विजिट भी कर सकते हैं अगर कोई भी आप लोग को परेशानी हो। फिर प्रोग्रामिंग विद सी, देखिए यहाँ पे भी आपका सी आ गया। तो सी लैंग्वेज मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सी लैंग्वेज आपका क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही सारी यूनिवर्सिटी में सी लैंग्वेज ही पढ़ाया जाता है बेसिक, क्योंकि ये बेस आपका यही से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग। ओके, फिर अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए हम लोग पाइथन हो गया, मतलब और स्किल को अपने डेवलप करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का हम लोग और प्रोग्रामिंग। फिर आपका आ जाता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर आपका आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, ये भी बच्चे परेशान होते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अलग है, इसमें ऑफिस ऑटोमेशन कभी कभी ऐड कर दिया जाता है बहुत सी यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे इसके लिए भी परेशान होते हैं। तो डियर परेशान है तो थोड़े बहुत सिलेबस आपके चीज टॉपिक तो वो लोग बिल्कुल परेशान है, सारे के सारे आपको मिलेगा। ओके, ये आपको होगा। फिर उसके बाद से आपका आता है डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक अभी भी बहुत सी यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर मिलता है, और ये डिजिटल लॉजिक अभी भी न्यू जो आपके कुछ कॉलेजेस है वहाँ पे भी आपको पढ़ना होता है, ओल्ड भी कुछ है जहाँ पे आपको पढ़ना होता है। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज अभी आपका इग्नू में भी फॉलो कर दिया, अभी मैं अभी जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैं बताऊंगी न्यू वाले सिलेबस में कि इग्नू में आपके कुछ क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ओके, इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपकी क्या है JNVU यूनिवर्सिटी में आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी डियर। चलिए अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एसटी, मतलब कि सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, जो कि आपका कहाँ पे है डियर, बेंगलुरु में है। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है हमें, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पहले दे दिया, और अभी हमने कहा यहाँ पे क्या पढ़ा था JNVU, कहाँ पे पढ़ा था आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर थर्ड नंबर पे था। ओके, इसमें भी आपको ये मतलब इस यूनिवर्सिटी में भी आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपका हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, ये सारे के सारे पढ़ने होते हैं। फिर आपका प्रोग्रामिंग इन सी आ गया, देखिए सी लैंग्वेज भी पढ़ना है। मैथमेटिकल फाउंडेशन, अब देखिए इस यहाँ पे मैंने बताया मैथमेटिक्स के बहुत अलग अलग से नाम दिए होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, अभी देखिए यहाँ पे नाम चेंज कर दिया मैथमेटिकल फाउंडेशन कर दिया। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे मैथमेटिकल फाउंडेशन क्या है, अब इसमें कुछ चीजें अलग होंगी, तो बिल्कुल भी वही मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो नाम लिखे होते हैं उसके नाम से, क्योंकि नाम पे तो कुछ यूनिवर्सिटी अपने जो यूनिवर्सिटीज होती है ना उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके जो नाम मेंशन किए जाते हैं, तो इसके लिए परेशान। मैथ्स वही आपका बेसिक मैथमेटिक्स, चाहे मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से दिया सब आपको वही मिलेगा, टर्मिनेट स्टैटिक्स जो सारी चीजें वही सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, अलजेब्रा हो गया तो वो सारी चीजें आपको वही मैथ्स मिलेंगे, बस नाम देख करके हमें परेशान नहीं होना है। ओके, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब, और आपको ये लैब बताया जाएगा कि लैब क्या है, फिर सी प्रोग्रामिंग का लैब आपको बताया जाएगा। तो मैं जो भी सारी चीजें बता रही हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप बीच में स्टॉप करेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो फिर आप परेशान होंगे, क्लियर, तो परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बकुरुना यूनिवर्सिटी, ठीक है, बकुरा यूनिवर्सिटी आपका। इसमें देखिए क्या है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से वही आपका है, ठीक, इलेक्टिविटी ई फर्स्ट आपका है, मैथमेटिकल देखिए यहाँ पे आपका आ गया। मैं जितने भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो आपके सामने दिख रहा होगा, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक। अभी मैंने बताया ना मैथ्स के, देखिए अब यहाँ पे आपका क्या दे दिया, मैथमेटिक्स फर्स्ट, वही सारी चीजें, बस खाली नाम इसमें क्या है आपका इस यूनिवर्सिटी में नाम थोड़े चेंज है बस। फिर आपका देखिए यहाँ पे भी पीसी सॉफ्टवेयर आपका आ गया। फिर आपके देखिए इसमें क्या है कि कंपलसरी, मतलब आपको इसमें पढ़ना है कंपलसरी क्या है आपका, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, लिटरेचर पढ़ना है एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे भी आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, बकुरा यूनिवर्सिटी जो है इसमें आपको ये सारे सिलेबस यानी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कितने सारे हो गए, मतलब 1, 2, 4, 5, 6 आपको सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर किस यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आपकी हो गई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी WB, ठीक है, ये आपकी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी डियर बहुत से लोग जानते होंगे, ठीक है, आज मैं भी बता दे रही हूँ तो जो लोग नहीं जानते वो भी जान लें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको दो से तीन चीजें को मिल रही है, तो बिल्कुल भी
को बीच में स्टॉप नहीं करना और मिस स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो आप लोगों को भी शेयर करिएगा, जो बीसीए से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जो भी लोग होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हमें आपका फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ठीक है, आपको न्यू अभी दिख रहा है तो न्यू दिख रहा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया गया। बहुत सी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ये आपके सेकेंड या थर्ड यूनिवर्सिटी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है। फिर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आपका थ्योरी का पोर्शन हो गया। देन आप नीचे देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, लैब का मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिकल करना है। फिर आपका देखिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, यहाँ पे भी आपका सी लैंग्वेज है। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या दे दिया गया है, इतने बड़े नाम लिख दिए प्रोग्रामिंग, मतलब पूरे नाम उसके मेंशन कर दिए गए, तो बच्चे इसके लिए परेशान होते। सिर्फ अगर सी लैंग्वेज लिखा गया है या फिर सी प्रोग्रामिंग लिखा गया है तो इसके लिए परेशान होते, तो बिल्कुल डियर हमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, कोई सारी परेशानी के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। फिर आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, मतलब थ्योरी और लैब ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे थ्योरी या फिर लैब आपको बताया जाएगा इसी का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपके देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी में भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना। अभी मैं आगे और भी यूनिवर्सिटी के नाम आपको बताऊंगी, उसमें भी आपको देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत सी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। उसके बाद से इसमें इंग्लिश एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा क्या आपका इंग्लिश है। अब इसी का नाम आपको कहीं कहीं इंग्लिश टू के नाम से दे दिया जाएगा, कहीं किसी और नाम से दे दिया, तो बच्चे परेशान होंगे, लेकिन पढ़ना वही है सारा। इंग्लिश में आपको वही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपको बताया जाएगा। ठीक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी आई कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत बेस्ट रोल शो करता है आपका आई कॉन्टेक्ट करने का बात करने का तरीका होना। आप हमेशा आई कॉन्टेक्ट, आपकी हैंड की मूविंग कैसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप क्लास में स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें। और हाँ, मजे की बात आपको बता दें कि हमारे आशुतोष सर है वो आपको कंप्लीट इंग्लिश की क्लासेस पढ़ाते हैं। अभी हमने जो बैच स्टार्ट किया है कंप्लीट बीसीए संकल बैच का, आपके उसमें डेली जो स्टूडेंट्स परचेस कर चुके हैं उनकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। और आप भी चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी बीसीए की कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस को करें, बिल्कुल भी डियर, ऐप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर आप विजिट करिए, हमारी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट करेगी। ओके, तो आशुतोष सर काफी अच्छे से आपको इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं सुबह में 7 बजे यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन पे। ये कुछ मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें हमने देखा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी में हमें ये सारे टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ओके, तो आई होप जो भी सारी चीजें बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ में, अगर हाँ कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम्स होती है इससे रिलेटेड आपको तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ताकि हम कमेंट के रिगार्डिंग आप लोगों के जो डाउट्स हो उसे कम्प्लीट पूरा कर पाए, ठीक है, उस क्वेश्चन के आपके आंसर आपको दे पाए। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि आपकी डियर है कानपुर में, ये भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है कानपुर में, तो जो भी स्टूडेंट्स कानपुर में विजिट करते हैं वो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में। तो देखते हैं कि क्या है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका डियर आ जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ओके, फिर आपका है देखिए सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के नाम से दिए, सी लैंग्वेज को ही हम लोग सी प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं कि यहाँ पे सी लैंग्वेज लिखा गया और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लिखा गया, वही आपका सेम है। ओके, बस खाली थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे भी हमें छत्रपति साहू जी महाराज में भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करनी है। हमारे यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे और भी बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे जो आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंट पढ़ाते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, बिजनेस कम्युनिकेशन हो, इंग्लिश हो, सी लैंग्वेज हो, मैथ्स हो, सारी क्लास। ओके, फिर देखिए यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ना है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन छत्रपति साहू जी महाराज में दोनों आपका फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया, कि यही क्या है कि आप कहीं और कोई और भी यूनिवर्सिटी होगी, अभी आप आगे देखेंगे सारी चीजें, कि यही जो आपके यहाँ पे दोनों दे दिया गया है यही आप कहीं कहीं पे देखेंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटी में क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दिए गए हैं, तो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन आपके सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, यहाँ पे देखिए आपको दोनों ही पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है और बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ना है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो। ओके, फिर आपके मैथमेटिक्स हो गया फर्स्ट, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से आपका दिया गया है। ओके, आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिर कंप्यूटर
लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। ये आपके थ्योरी विथ प्रैक्टिकल दोनों की क्लासेस मिलेगी। अभी मैंने आगे बताया था ना आपका कि ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से भी दे दिया जाता है। फिर कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से आप जहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं वहाँ पे आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल के लैब होते हैं, तो वहाँ पे आपके बढ़िया क्लासरूम होगा प्रैक्टिकल का, बहुत सारे आपके कंप्यूटर लगे होंगे, सारे स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल, आपके साथ साथ आपके टीचर्स भी लगे होंगे वहाँ पे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जो भी मैं सारी चीजें बता रही हूँ वो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है, कहीं भी अगर आप लोग को डाउट होगा डियर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ पे विजिट करिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिएगा ताकि वहां से भी मैं आपके क्वेश्चन को देख पाऊँ। फिर अभी हम देख लेते हैं क्या है आचार्य, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी आपका जो है इसमें देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें डाटा स्ट्रक्चर विद सी प्लस प्लस पढ़ना है, ये आपका डाटा स्ट्रक्चर के साथ साथ सी प्लस प्लस होना चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग होगी ये आपको पढ़ना है। भाई इस यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे टॉपिक है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नाइन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो भी डियर अभी थोड़ा बहुत आपके चेंज, ज़्यादा नहीं, लैब तो आपको असाइनमेंट बनाना है, लैब करना है, सारी चीज़ें करनी है। ये मैंने देख लिया, फर्स्ट आपका आचार्य नारायण में आपका है डाटा स्ट्रक्चर विद सी प्लस प्लस है, सेकेंड आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, थर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब पूरा का पूरा एकदम ही चेंज है इसमें, यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा चेंज है आपका, देख रहे हैं ये आपका। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आपका, ये थोड़ा सा मैथ के पोर्शन हल्का से है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिटल लॉजिक डिजाइन के बारे में आपको बताया जाएगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर के साथ आपको बताया जाएगा। फिर डेटा स्ट्रक्चर लैब है आपका, फिर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका लैब यहाँ पे भी है, कम्युनिकेशन स्किल वही इंग्लिश का देखिए यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन ओनली कम्युनिकेशन स्किल के नाम से दिया गया। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारे कौन सी यूनिवर्सिटी में, आचार्य नारायण यूनिवर्सिटी में। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी बिल्कुल भी, ध्यान से आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहिएगा। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं उनको वो लोग जरूर इस चैनल से जुड़े क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और खास करके बीते स्टूडेंट्स में तो ज्यादातर। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि ओल्ड के बारे में, ओल्ड यूनिवर्सिटी, अभी कुछ ये सारी यूनिवर्सिटीज है थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत से स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया है जो कि हमारे यहाँ स्टडी भी करते हैं स्टूडेंट, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं कि मैम हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है इस यूनिवर्सिटी नाम थोड़े से चेंज है, बच्चे परेशान हो। बिल्कुल भी डियर परेशान नहीं होना है, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि परेशान नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि जो आपका अपना परिवार है यूनिक ऑनलाइन गुरु, ये आप लोगों को कंप्लीट बीसीए की क्लासेस प्रोवाइड करता है। हालांकि वो जितने भी कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं सारे के प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बीसीए आपका जो भी सेमेस्टर होगा वो बीसीए का कंप्लीट क्लास पढ़ाएगा। कहीं भी कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी होती है एडमिशन से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की, ओके। चलिए प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है हम देख लेते हैं, पहले यूनिवर्सिटी क्या है आपकी, महात्मा गांधी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो आपकी प्रयागराज से रिलेटेड ही है, ओके। तो इसमें हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी विद्यापीठ में कौन सा पढ़ना है डियर, तो देखिए इसमें कुछ आपके टॉपिक्स है 1 2 3 4 5 फाइव सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है डियर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम आपको पढ़ना है, मतलब ये भी आपकी क्या है एक लैंग्वेज है, ठीक है, कोडिंग है आपकी। इसमें आपको बता दें प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है एल्गोरिथम, फिर देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट है, वही आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से दिया गया, तो बिल्कुल भी परेशान मत है, वही आपको स्टैटिक्स और वो जो भी सारी चीजें वो आपको सारी की सारी मैथ की जो भी पोर्शन होते हैं अलजेब्रा वगैरह सारी की सारी चीजें आपको इसमें। और मैं बता दूं मजे की बात कि हमारी नेहा मैम है जो कि आपको बीसीए की कंप्लीट मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जो लोग भी मैम की क्लास देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए बीसीए बेसिक मैथमेटिक्स संकल्प बैच के नाम से वो विजिट कर सकते हैं, वहां पे सारी क्लासेस आपको मैथ्स की मिल जाएंगी। फिर आपको देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है इस यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लासेस जो है हमारी प्रियंका मैम पढ़ाती है बहुत अच्छे तरीके से, काफी दिनों से पढ़ा रही हैं और काफी बेस्ट उनको नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, उनको काफी अच्छा नॉलेज है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती है। तो अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी जुड़िए एक बार, फिर बाकी जैसा भी रिस्पांस होगा आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट क्या है आपका, ओके। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन है, ये आपका कम्प्लीटली फंडामेंटल है क्योंकि रत्नाकर सर है
वो आपको फंडामेंटल की कंप्लीट क्लास स्टडी कराते हैं, कंप्लीट अच्छे तरीके से, पूरा पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको पूरा कंप्लीट फंडामेंटल की। फिर यहाँ आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेज है, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको सब्जेक्ट, मतलब कि जो महात्मा गांधी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में हमें ये सारे टॉपिक पढ़ना है। ये पूरा बेसिक है आपका, मतलब इतनी ही सारी चीजें। अब यही अगर थोड़ा सा घुमा के दे दिया, अभी आपने देखा ना जो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी अभी पहले बताई, ओल्ड कुछ आपके जो यूनिवर्सिटी थे पहले, उस यूनिवर्सिटी में देखिए थोड़े से सिलेबस थे चेंज, लेकिन थोड़े बस नाम अलग है, लेकिन है वही सारी चीजें। इग्नू का बस सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है डियर, अभी मैंने बताया ना, अभी मैं आपको इग्नू का भी पहले बताई थी, आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके देखिएगा वो, और उसके बाद अभी आगे बताएंगे उसमें भी आप देखेंगे ये चीजें क्या है, तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या है। ओके, बस मेरा ये बताने का मतलब ये है इस वीडियो में कि बहुत स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमें बस नाम थोड़ा सा चेंज होता है तो वो परेशान हो जाते हैं, जबकि डियर आप लोगों को पता है कि नाम चेंज होने से ऐसा थोड़ा नहीं, बस क्योंकि सारे उसके अंदर के कंटेंट वही थे। हाँ, थोड़े बहुत टॉपिक चेंज है तो उसके लिए परेशान नहीं हो जाना है, उसके लिए परेशान हो जाए और हम उस क्लास को अच्छे से अपनी स्टडी नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत तो आप मैनेज कर सकते हैं ना, थोड़े बड़े टॉपिक। ओके, तो ये हो गया, हमने देखा कि महात्मा गांधी विद्यापीठ हमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिला। ओके, तो डियर आप लोग को आई होप ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लोगों को शेयर करिए ताकि लोग भी आराम से अपनी बी क्लासेस को पढ़ सके और उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो जब वो एडमिशन लेने जाए किसी भी यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए आपका आ गया इग्नू यूनिवर्सिटी जो कि आपकी न्यू दिल्ली में है, और ज़्यादातर क्या होता है कि हम इग्नू को हम खुद फॉलो करते हैं, जो हमारी सारी क्लासेस प्रोवाइड होती है वो इग्नू बेस्ड ही हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इग्नू का ये न्यू सिलेबस क्या है। अभी हमने पीछे देखा था इग्नू के ओल्ड सिलेबस, अभी हम देखेंगे न्यू सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, इग्नू के देखिए कुछ जैसे कि देखिए अभी थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुए हैं इसमें। कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, ये सबसे पहले आपका इसमें लैब का पोर्शन दिखाया गया कि बहुत स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लिए हैं तो उन्हें भी थोड़ा पता है, वो भी बच्चे परेशान होते हैं मैम अभी थोड़े से सिलेबस चेंज हुए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और जो भी न्यू एडमिशन अगर लेना चाहते हैं इग्नू उन्हें अगर ये चीज़ें पता होगी तो वो अपनी अच्छी से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका आ गया कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का लैब। लैब मतलब आपको लैब पोर्शन पे जा करके लैब करना होगा, आप जिस मतलब इग्नू में आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, वो आपके सारे टीचर्स आपको स्टडी। ठीक है, इन्वायरमेंटल आपका स्टडीज हो गया। ठीक, इन्वायरमेंटल स्टडीज ये आपका न्यू सिलेबस आया है, अभी मैंने आगे देखा था कि आपका नहीं था, अभी इन्वायरमेंटल स्टडीज आपके न्यू सिलेबस ये अभी इनरोल हुए हैं इस इग्नू के यूनिवर्सिटी में। ओके, फिर आपका आ जाता है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। ये देखिए अभी हम लोग इंग्लिश 2 के नाम से जानते थे अभी, लेकिन आपको पूरा कम्प्लीट है, तो यहाँ पे इंग्लिश एट द वर्क प्लेस सेम वही सारे पोर्शन है, बाकी थोड़े बहुत टॉपिक चेंज है तो वो सारे के सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे। फिर आपका देखिए मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स वही आपका कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, ये थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपके लैब पढ़ाए जाएंगे। तो आपके एक सिलेबस चेंज हुए इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड एक और भी आपका इन्वायरमेंटल साइंस के थ्रू है। ओके डियर, ये सारी चीज होगी। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपका ये आ गया मंगलायतन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि आपका ग्वालियर में है, इसमें देख लेते हैं क्या है। मैथमेटिक्स फर्स्ट, मतलब आप देखिए वही सारी चीजें, न्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस खाली इग्नू में थोड़े से सिलेबस चेंज हुए थे, क्योंकि मेरा वही बताने का मेन मोटो था कि क्या सिलेबस आपके चेंज हुए थे। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया आपका, फिर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन का सिलेबस है, वो भी हमने बहुत ही आगे यूनिवर्सिटी में देखा, यहाँ पे भी आपको वही पढ़ना है। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश कम्युनिकेशन फर्स्ट के नाम से, इंग्लिश वही है, यहाँ पे थोड़े नाम चेंज हो गए, अब बच्चे परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल भी डियर परेशान हो, क्योंकि भाई आपको सेम इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा पूरा। प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम आपका लैब है, यहाँ पे आपने भी पढ़ा है, वही आपको लैब भी करना है। ठीक, एमएस ऑफिस का आपको लैब मिलेगा, एमएस ऑफिस में बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं, जस्ट लाइक आपका एमएस ऑफिस में हम अगर बात करें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये सारी चीजें एमएस ऑफिस के आपके पैकेज है, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। एक्सेल के जो भी सारे टॉपिक्स होंगे, एक्सेल में आपका जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिक्शन हो गया, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ आपके मंगलायतन यूनिवर्सिटी के थे, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा और हम देखेंगे क्या एक दो यूनिवर्सिटी और भी बची हुई है, फटाफट उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया है
मेहरगी पीजी कॉलेज ऑफ बलिया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि आपका, इसमें आपके कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम, मतलब सेम, थोड़े बहुत चेंज है, अदरवाइज आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो आपका है यूनिवर्सिटी, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देन बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ना है आपको। फिर आपके मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो भाई कंपलसरी होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होते, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स होते हैं। ओके डियर, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। ठीक, कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। अब ये लैब हो गया, मतलब इधर आपने थ्योरी पढ़ा, उसी का सेम आपका क्या है, लैब हो गया। तो लैब आप अपने कॉलेज में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट लैब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी आ गई लवली यूनिवर्सिटी, जो कि आपका जलंधर में है। ये भी बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीट आपका बेसिक फंडामेंटल के बारे में बताया जाएगा इस आपके। फिर आपके आपका प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, ये आपको बताया जाएगा। फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, वही आपका इंग्लिश है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे नाम चेंज, सारी चीजें वही। अब देखिए लवली यूनिवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना है। अभी हमने देखा कि इग्नू में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना था, लेकिन हमें लवली यूनिवर्सिटी में कौन सा पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ना। ये भी आपका न्यू सिलेबस है, ठीक। ये बहुत सी यूनिवर्सिटी में, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर लवली यूनिवर्सिटी जलंधर में एडमिशन लिए होंगे, उन्हें ये सारी चीजें पढ़नी होगी। जो लोग ले चुके हैं उन्हें तो भाई पता हो गया कि मुझे लवली यूनिवर्सिटी में आपको ये पढ़ना है। जो लोग अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सर्च कर रहे हैं कि ये सारी यूनिवर्सिटी है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो डियर ये वीडियो देखिए आप लोग, ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि अगर आप लवली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके यही सारे आपके सिलेबस मिलेंगे, जो कि न्यू सिलेबस है, यही सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए एक दो और भी यूनिवर्सिटी है, उनको थोड़ा देख लेते हैं फटाफट हम लोग। आपका जेएस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि आपका शिकोहाबाद में। इसमें देख लेते हैं क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन। देखिए ये ऑफिस ऑटोमेशन जो अभी इधर सारी यूनिवर्सिटी है उसमें ये सारे आ रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है, कि कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफिस ऑटोमेशन। फिर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ना है, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है। मतलब ये आपका सेम हमें किससे रिलेटेड मिल रहा है, अगर हमने देखा कि ना कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है नेहरजी पीजी कॉलेज बलिया में, और ये आपका आ जाता है जेएस यूनिवर्सिटी जो कि शिकोहाबाद, ये पूरा का पूरा सेम है, ये दोनों में सेम, इस यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी में सेम सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं मैंने देखा आज, ये कुछ यूनिवर्सिटीज, एक और भी बची आपकी, ठीक है, ये आपका जौनपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है, ये जौनपुर यूनिवर्सिटी है आपका। जौनपुर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे आपके जगह पीसी सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड सी लैंग्वेज भी है आपका, वही सेम है आपका, थोड़ा सा आगे नाम बढ़ा दिया गया तो स्टूडेंट परेशान है। लैंग्वेज भी आपका क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्लीट फंडामेंटल आईटी आपको स्टडी कराया जाएगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज थे, एक दो यूनिवर्सिटी और भी बची है। शिक्षा कॉलेज ऑफ ओडिशा, इसमें देखिए आपका, इसमें भी आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना है, सी लैंग्वेज आपको पढ़ना है, डिजिटल लॉजिक आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये आपके सिर्फ खाली 4 पॉइंट्स है। दिशा कॉलेज जो कि उड़ीसा में, उसमें सिर्फ खाली इतनी यूनिवर्सिटी आपको पढ़नी है, इस यूनिवर्सिटी में बस इतने सारे आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम है, तो एक दो और भी बचे हुए हैं आपका, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। डियर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ही फंडामेंटल का नाम एकदम अलग दे दिया गया, ठीक, बच्चे आप परेशान हो जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया गया, अभी मैंने देखा इसी यूनिवर्सिटी में आपके क्या है, ये तो आपको फंडामेंटल दिया ही नहीं गया, फंडामेंटल आपको पढ़ना ही नहीं, आगे मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में, ठीक है। इसमें फिर आपका विंडोज है, एमएस ऑफिस का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दिया, मतलब फंडामेंटल में भी आपको एमएस ऑफिस पढ़ाया जाएगा, उसी का थोड़ा सा आपका एडवांस चीजें हैं। विंडोज एंड विंडोज के बारे में, विंडोज आपके बहुत सारे, विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको बताया जाएगा। फिर प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाएगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आप देखिए भाई इस यूनिवर्सिटी में तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है। ओके, फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, भाई कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड इंग्लिश 2 है, सारी चीजें है वही आपकी। ओके,
तो ये सारी चीजें थी। आज मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती थी कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे आपको ये तो आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको सारी चीजें कम्प्लीटली बताई। तो प्लीज डियर, आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो भी आपके अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ला सकूं सारी की सारी चीजें बहुत ही बेस्ट से बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो प्लीज आप लोग बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोगों को शेयर जरूर करिएगा ताकि जो लोग भी अभी परेशान होते हैं बीसीए कर रहे हैं और उनको क्लासेस से रिलेटेड या किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस चैनल से जुड़े, उन्हें बहुत सारी चीजें मिली। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।